अस्सलाम वालेकुम। एक छोटा सा वाक्य आपके साथ शेयर करना था। ये उन दिनों की बात है जब मैं 2009 में हाउस जॉब कर रही थी, जो कि हर डॉक्टर को जो नया नया ग्रेजुएट होता है उसके बाद उसे हाउस जॉब करनी पड़ती है। तो मैं जो बच्चों का डिपार्टमेंट होता है पीड्स, वहाँ पे हाउस जॉब कर रही थी। वहाँ पे एक बच्चा हमारे पास लाया गया, उसके पेरेंट्स लेके आए थे, जो कि काफ़ी सीरियस था और सांस उसको सही नहीं आ रहा था, कि जिस्म में जरासीम वगैरह फैल चुके थे। बच्चे को पहले तो हमने नहलाया, क्योंकि वो इतना गंदा किया हुआ था, उसके घर वालों ने उसको इतना गंदा रखा हुआ था कि उसको प्रॉपरली हैंडल नहीं किया जा रहा था। नहलाने धुलाने के बाद हमने उसकी मेडिसिन स्टार्ट की और हमने उसके घर वालों को बताया कि इसको इंक्यूबेटर में, वो जो एक ग्लास का एक इंक्यूबेटर होता है, इसमें इसको रखना पड़ेगा। उसके घर वालों ने इंक्यूबेटर की तरफ गौर से देखा और उन्होंने कहा कि ये तो शीशे का डब्बा है, इसमें तो हमारे बच्चे का सांस बंद हो जाएगा, तो इसमें तो हमने नहीं आपको रखने देना। अब हमने उनको बहुत समझाया कि देखें, इसके अंदर ऑक्सीजन हम उसको बच्चे को लगा सकते हैं, वैसे भी इसमें ऑक्सीजन चल रही होती है, एयर अंदर जा रही होती है, तो ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। वो नहीं माने। हमने बाकी बच्चे भी उनको दिखाए जो इंक्यूबेटर्स में थे। हमने कहा देखें, ये बच्चे भी इंक्यूबेटर में हैं और इनके सांस चल रहे हैं, इनके वालदैन भी पास, मतलब बाहर ही हैं, अगर ऐसा कोई मसला होता तो वो क्यों इसमें रखने देते। बहरहाल वो लोग नहीं माने, उन्होंने कहा कि नहीं जी, शीशे के डब्बे के अंदर बच्चे को सांस नहीं जाएगा, वो मर जाएगा। हमने बहुत कोशिश की क्योंकि बच्चा सीरियस था, लेकिन वो नहीं माने और वो बच्चे को लेके चले गए। अब इस वाक्य के बाद हम परेशान भी रहे, हम सोचते भी रहे उस बच्चे का क्या बना होगा, लेकिन बहरहाल इसमें जब पेरेंट्स ना माने तो आप कुछ नहीं कर सकते। इससे मुझे ये बात एक याद आई कि हमारी जो असल में कौम है ना, जब आपको किसी बात का नहीं पता होता ना, यूजुअली आम तौर पे नॉर्मली ये होता है कि आपके अंदर या तो क्यूरियोसिटी जन्म लेती है, कि एक तजस्सुस होता है कि क्या इस चीज में क्या साइंस होगी, क्या हिकमत होगी, इसके बारे में मैं पता करूं। दूसरी एक चीज होती है खौफ, कि जिस चीज को आप नहीं जानते आप उससे डर जाते हैं। एक और स्पेशल कीड़ा होता है जो हमारी कौम में पाया जाता है, वो ये है कि जिस चीज के बारे में उनको नहीं पता उसके एक्सपर्ट बनने का जुनून। के जैसे आपने देखा होगा कुछ अर्से पहले एक बड़ा ट्रेजिक वाकया हुआ कि एक हमारा ये PIA का जो जहाज था, कुछ दिन पहले की बात है, वो गिर गया और क्रैश हो गया, बहुत सारे लोगों की उसमें डेथ हुई। तो वो लोग जिन्होंने कभी नज़दीक से जहाज देखा भी नहीं हुआ ना, सिर्फ दूर से कहीं आसमान में उड़ता देखा है, वो भी कहना शुरू हो गया कि ए ना ए मुंह पर ने डिग गया है या पिठ पर ने डिग गया है, मैनू लग रहा है कि ए ना पायलट दी गलती है। दूसरा उसका सयाना भाई कहता है कि वो नहीं नहीं मैनू लगता है जेडे लोकी ये दसदे ने ना इन्हां नू फोन ते कि इंज इंज उड़ाओ, उन्होंने पहले इंज जहाज गया, उन्होंने क्या थले वल लैके जाए, थले वल लैके गया, फिर उन्होंने क्या उत्ते वल लैके जाते, ऐ उत्ते थले कर दें किधरे, मतलब इस तरह की अजीबो गरीब बातें। ऐसे पूरी कौम एविएशन एक्सपर्ट बन गई है कि सबको पता है कि जहाज कैसे उड़ाते हैं और किसकी गलती है। इसी तरह जिन लोगों को अलिफ बे भी नहीं पता होती मेडिसिन की, वो मेडिसिन के एक्सपर्ट बन जाते हैं। लोगों को जैसे कि आजकल आपने बहुत सुना होगा कि बताया जा रहा है कि जो मरीज कोरोना के जाते हैं वार्ड्स में, उनको जहर के टीके लगाए जाते हैं, डॉक्टर उनको जहर के टीके लगा के मार देते हैं, फिर उनके जिस्म से अज़ा निकाल लेते हैं और उनकी लाशें पता नहीं कितने कितने डॉलर्स में फरोख्त हो रही हैं। तो इस तरह की अफवाहें, ऐसे एक्सपर्ट जिन्हें बनने का जुनून होता है, वो ये बातें बनाते हैं, पहले अपने दिमाग से सोचते हैं कि जी ऐसा होगा, फिर उसके अराउंड एक पूरी की पूरी जो है ना वो एक पुरस्रार कहानी तरतीब दी जाती है, फिर वो लोगों में ऐसे फैलानी शुरू कर दी जाती है जैसे अपनी आंखों से ये सब होता हुआ देखा है। ऐसे तमाम लोगों के लिए मेरे पास एक सजेशन है कि आप लोगों को अगर लगता है कि कोरोना या COVID-19 जो है ये कोई मसला नहीं है, ये सब एक झूठी साजिश है और ये मरीजों के साथ ये कुछ हो रहा है, तो आप, क्योंकि हम एज हेल्थ प्रोफेशनल्स, हम जो डॉक्टर्स हैं, हम बहुत थके हुए हैं। अभी भी मैं कोरोना से ड्यूटी करके आ रही हूँ, ये मेरे मुंह पे मास्क के निशान है और दुख रहा है, मुंह हाथ नहीं लगाया जा रहा। तो हम लोग तो क्योंकि मरीजों को एडमिट कर करके और उनका इलाज कर करके बहुत थक गए हैं और हमारे ऊपर बहुत वर्कलोड है और हमारे पैरामेडिक्स पे भी। तो आप काइंडली वॉलंटियर करें, आप लोग हमारे वार्ड्स में आएं, जो पेशेंट्स की आलाइशें उठाई जाती हैं, उन्हें खाना खिलाना होता है, उन्हें नहलाना धुलाना होता है, उनकी बेड शीटें चेंज करनी है, इस तरह के छोटे मोटे काम, आप आएं और हमारी मदद करें, ताकि जो हमारा असिस्टेंट अमला है उसको भी थोड़ी हेल्प मिले, उन्हें भी रिलीफ मिले, जो कि रोज पॉजिटिव हो रहे हैं, जिनके घर वाले रोज मर रहे हैं बेचारों के, काम करने वालों के, डॉक्टरों के, पैरामेडिक्स के, उनको भी थोड़ी रिलीफ मिलेगी। और आपके अंदर जो दो मुंह वाला कीड़ा है, जो आपको ऐसी बातें बनाने फैलाने और मानने पे उकसाता है, वो उसको भी थोड़ी तशफी उसकी होगी कि वो आएगा, आप आके देखेंगे कि वाकई क्या जहर के टीके लग रहे हैं या नहीं लग रहे, या ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं, अपनी आंखों से देखें ना, जाके देखें, उन वार्डों में काम करें,
और पीपीज भी फिर ना पहने, कोई प्रोटेक्टिव चीज ना पहने। हालांकि हम आपको ऐसे वार्ड में जाने नहीं देंगे, हम आपको जरूर पीपी देंगे क्योंकि हम तो ये मानते हैं कि ये एक बहुत बड़ी हकीकत है, हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। तो आप आए, कोरोना के पेशेंट्स का ख्याल करें हमारे साथ और अपनी आंखों से देखें कि क्या वाकई में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। और ये जो जहर वाला टीका है, मैंने तो अपनी, मुझे भी कोई 15-20 साल डॉक्टर बने हुए हो गए हैं, 15-1 साल तो हो ही गए हैं, मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी ये जहर वाला टीका जो है ना, ये आज तक नहीं देखा कि ये आखिर कौन सा टीका होता है जहर वाला, ठीक है ना, कोई ये 12-15 साल में मैंने नहीं देखा। तो एक तो मुझे भी बताएं ये कौन सा टीका है। दूसरी बात यह है कि बॉडीज क्यों नहीं दी जाती कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स की उनके घर वालों को, क्योंकि बंदा मर भी जाए तो भी उसके अंदर वायरस अभी, मतलब उसके जो डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन्स है, जो उसकी पूरी बॉडी है वो इन्फेक्टेड है। जो बंदा उसको नहलाएगा, जो बंदा उसको कफन पहनाएगा, जो उसके नजदीक जाएगा वो इन्फेक्टेड हो सकता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि जी बॉडीज को आपने हाथ नहीं लगाना, उनको हम खुद ताबूत में डाल के आप जो है ना उनको दफना देते हैं आपके सामने। अगर आपको वाकई में लगता है कि नहीं जी ऐसा नहीं है, आप आए, आप वॉलंटियर करें, आप आके उनकी डेड बॉडीज को देखें, उनको अच्छी तरह, मतलब आप परमिशन लें आके हमारी एडमिन से और ये सब कुछ देखें ना कि वाकई में ऐसा हो रहा है। आप आए कोरोना के वार्ड में, तो जिस बंदे को इतना शक व शुबा है वो कोरोना के वार्ड में आए, 1-on-1 पेशेंट्स के साथ बैठे और देखे कि क्या हो रहा है। और अगर आपके अंदर इतना पीछा नहीं है, अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि जिस चीज को आप लोगों को कह रहे हैं कि ये अफसाना है और ये झूठ है, उसको आप खुद ऐसे फेस कर सकें, तो काइंडली ये बगैरती बंद करें, लोगों को झूठी अफवाहें झूठी बातें बताना बंद करें। क्योंकि होता यह है कि जो पेशेंट हमारे पास आता है, सीरियस भी होता है, उसको सांस नहीं आ रहा होता, हम उसे कहते हैं पेशेंट को एडमिट करा लें, उसके घर वाले कहते हैं जी नहीं हमने सुना है आप लोग जहर के टीके लगा रहे हैं, हम इसको घर लेके जा रहे हैं। सस्पेक्टेड केस होता है, हमें पक्का नहीं पता होता इसे कोरोना है या नहीं है, हम कहते हैं जी आप इन्हें एडमिट कराएं, हम इनका टेस्ट भी कराते हैं, हम देख भी लेंगे कहीं इनकी तबीयत ज्यादा खराब ना हो। वो कहते हैं नहीं हमने दाखिल नहीं कराना, क्योंकि वो इतने डरे होते हैं इन अफवाहों से। वो बंदा घर वापस ले जाते हैं, घर जाके उसकी हालत खराब होती रहती है इस हद तक के उसका सांस चलना बिल्कुल बंद हो जाता है, वो आखिरी दमों पे आ जाता है। ऐसी हालत में फिर वो मरीज को हमारे पास लेके आते हैं और जाहिरी बात है जब आपने उसका कोई इलाज नहीं कराया, बीच में आपने उसको घर में रखा है जब तक कि उसकी सांस बिल्कुल, उसको सांस ले बंद नहीं उसकी हो गई, आप घर में इस खौफ से बैठे रहे हैं कि अस्पताल में उसको जहर का टीका लग जाएगा। फिर जब वो ऐसे पेशेंट को हॉस्पिटल लेके आते हैं तो कुछ पेशेंट्स तो रिसीव्ड ही डेड होते हैं, यानी कि वो मरे हुए ही हमारे पास आते हैं। कुछ पेशेंट इतनी सीरियस कंडीशन में आते हैं कि उस वक्त हम जो मर्जी इलाज जो कुछ कर लें उसका कोई असर नहीं होता। वो पेशेंट अस्पताल आके जब 7 ही घंटे एक में एक्सपायर हो जाता है तो फिर कहा जाता है कि देखा हमने आपको कहा था आप अस्पताल लेके जाएंगे तो आपका मरीज मर जाएगा, उन्होंने जहर का टीका लगा लिया। ये नहीं बताते कि हमने पेशेंट को घर में रखे रखा है और जब वो मरने के नजदीक हो गया तो हम उसे अस्पताल लेके आए हैं। ऐसे पेशेंट की मौत की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ उन लोगों पर आयद होती है जिन्होंने ये अफवाहें फैलाई हैं, उस मरीज का बर वक्त इलाज नहीं होने दिया। तो काइंडली आप लोगों की जानों से खेलना बंद करें। अगर आपको इतना ही कीड़ा है आप अस्पतालों के अंदर आएं, कोरोना के वार्ड के अंदर आएं, वहां आके देखें, वहां आके काम करें, वरना ये बकवास बंद कर दें। हम बहुत टेंशन में हैं, बहुत स्ट्रेस में हैं। एक तो अपने सामने अपने मरीजों को मरता हुआ देखना ऐसे ही जैसे आपके घर का कोई बंदा मर रहा हो, एक वो डिप्रेशन, फिर अपने कोलीग्स को अपने सामने इन्फेक्ट होता हुआ मिजरेबल हालत में देखना, खुद इन्फेक्ट होना, अपनी फैमिली वालों के लिए परेशान होना कि कहीं आप उन तक इन्फेक्शन ना ले जाएं। हम बहुत ऑलरेडी बहुत स्ट्रेसफुल चीजों से गुजर रहे हैं। आप काइंडली ये मेरे, मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं कि इस तरह की अफवाहें फैलाना बंद करें, लोगों की जिंदगियों से खेलना बंद करें। खुदा के लिए, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो और सब अपने अपने आप को महफूज रखें, घरों में रहें, हिफाजत करें अपनी भी दूसरों की भी। अगर बाहर जाना बहुत जरूरी हो मास्क पहने, बार बार हाथ धोएं, एक दूसरे के दरमियान फासला रखें। अल्लाह हाफिज़।